दोस्तों, आज के इस वीडियो में वो थ्री मिस्टेक्स जो हम सभी स्टूडेंट अपनी लाइफ में हमेशा करते आते हैं, उसका रियलाइज हमें बहुत दिनों बाद जाके होता है जब उस चीज को हम रिवाइंड करके ठीक नहीं कर सकते। और वो कहते हैं ना कि अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बिल्कुल सही कहावत है, भले देसी में हो लेकिन भाई चुभती बिल्कुल विदेशी जैसी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो कि नंबर वन है, वो हमेशा थिंक बिग। लाइक अगर आपका लक्ष्य बहुत छोटा होगा तो आप उसको अचीव करने के लिए वो सारी चीजें, वो मेहनत जो आप कर सकते थे वो करेंगे ही नहीं, ये रियलिटी है। वो कहते हैं ना कि अगर आपको सूरज पे जाना है तो ये बात राइट है कि शायद आप वहां तक ना पहुंच पाए, लेकिन अगर आप चांद तक भी पहुंच गए तो आप जमीन से 384,400 किलोमीटर दूर होंगे और ये बहुत बड़ी बात होगी। इसीलिए हमेशा अपना लक्ष्य बड़ा रखिए। स्टीफन हॉकिंस फिजिकल चैलेंजेस थे लेकिन उन्हें कितना कुछ कर दिखाया। सूरदास अंधे थे लेकिन हिंदी के सबसे प्रतिष्ठित कवि बने। सुधा चंद्रा, जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, हिंदी फिल्म में नाचे मयूरी का उन्होंने हीरोइन का रोल निभाया था। अपनी एक नकली टांग के साथ उन्होंने इतना अच्छा डांस किया और करती थी। तो इनसे एक बात सीधी समझ आती है कि मैं सोचता हूँ कि साधनों की कमी का होना रास्ते की एकमात्र बाधा नहीं हो सकती। कि अगर आप कोई बड़ा सोच रहे हैं और उसके बीच में जो बाधाएं आती हैं, उसको लगता है कि नहीं यार मैं वहां तक नहीं कर पाऊंगा, मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ये सारी चीजें नहीं है, इतना लंबा सफर मैं कैसे तय कर सकता हूँ, इतना बड़ा कोर्स एग्जामिनेशन मैं कैसे दे सकता हूँ, तो रास्ते की बाधाएं सिर्फ एकमात्र रुकावट नहीं हो सकती। वहीं पे अगर आप ट्वेल्थ के बाद कोई कोर्स का सोच रहे हैं और कोई छोटे से इंस्टीट्यूट से आपने कोई छोटा सा कोर्स कर लिया जो कि 3 महीने था, 2 महीने का था, कहीं लग गए 5,000 से 7,000 की नौकरी में, जिंदगी आपकी वैसे ही कट जाएगी। लेकिन आप कुछ बड़ा सोचते हैं, अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में हैं और उसमें कुछ बड़ा सोच रहे हैं तो आप जेटकिंग जैसे इंस्टीट्यूट से अपना कोर्स कर सकते हैं और आई एम श्योर कि जब एक अच्छी प्लेसमेंट होगी, अच्छी जगह नौकरी करेंगे तो उसका मजा ही कुछ और है। क्योंकि अगर लंबा जाना है तो हमेशा भरोसा उन पे करिए जो लंबी रेस के घोड़े हैं। जेटकिंग जैसी कंपनियां 70 साल उन्होंने अपने आप को इस फील्ड में दिया है। बड़ा लक्ष्य, इसके लिए एक ही लाइन कहना चाहूंगा जो आई एम श्योर इन सबका निचोड़ है कि सपने देखो। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन जब तक सपने पूरे ना हो जाएं अपनी आंखें खुली रखना। और दोस्तों, नेक्स्ट नंबर पे है कंटिन्यूटी। ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि आज आपने मेरी मोटिवेशन स्टोरीज या कोई मोटिवेशन बुक जो आपकी बहुत ही ज्यादा फेवरेट थी, पढ़ने के बाद आपको तो लगा कि भाई अब तो कुछ कर देना है, 8-8 घंटे पढ़ूंगा, 9-9 घंटे पढ़ूंगा, अब तो कुछ बन के ही दिखाना है, और अगले दिन 2 घंटे, उससे अगले दिन दोस्तों के साथ पार्टी, उसके 2-3 दिन तक पढ़ाई नहीं चल रही, ये चीज होती है। तो लाइफ में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कि सर ये होगा कैसे, तो यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक हाथी होता है और एक उसका एक बिलमान होता है। बिलमान कहते हैं जो गार्ड होता है, जो हाथी को देख रेख करता है। हर दिन वो गार्ड उस हाथी को लेता था और जंगल में खिलाता पिलाता था और रात को आके उस जंजीर में बांध देता था। शुरू में हाथी ने कई बार इसकी कोशिश की कि वो जंजीर को तोड़ के वहां से भाग जाए, लेकिन जंजीर की कड़ी बहुत मजबूत थी और हाथी के बहुत बार हिलाने से भी वो नहीं टूटती थी। हाथी ने कई बार इसका प्रयास किया, 1 बार 2 बार 3 बार, आपको लगेगा कि ये कंटिन्यूटी है, 4 बार 5 बार 6 बार, बहुत बार ट्राई किया, बहुत दिनों तक ट्राई किया। एक दिन पिलमान जंजीर कहीं खो देता है। शाम को जब हाथी को लेके आया वो, तो अपने सोचा कि अगर आज मैं इसे नहीं बांधूंगा तो ये तो भाग जाएगा। बहुत कुछ सोचा, फिर उसने कहा क्या करूं। उसके माइंड में एक आइडिया आया। जब अंधेरा हुआ तो वो चुपचाप जाता है, नकल करता है जंजीर उठाने की, और सेम जैसे उसके पाँव में बांधता है, वो उसके पाँव में अपना हाथ हिलाता है, दोनों पाँव में जाके सिर्फ हाथों से एक एक्टिंग करता है कि जैसे वो जंजीर बांध रहा है, और चुपचाप जाके अपने रूम में सो जाता है। जब वो सुबह उठता है वो देखता है कि हाथी वहीं का वहीं है। मीन्स कि हाथी को लगा कि अरे यार जंजीर तो उसने बांधी होगी, मैं क्यों आज ट्राई करूं। ये थी उस पिलमान की कंटिन्यूटी। अगर आप अपनी लाइफ में हर रोज 3-3 घंटे 4-4 घंटे रेगुलर स्टडी करेंगे तो किसी दिन ऐसा आएगा कि भाई आज भाई की शादी भी है ना, तब भी तुम 3 घंटे निकाल ही लोगे। ये बात आपको हंसी में लग रही होगी लेकिन ये रियलिटी है। और दोस्तों, थर्ड नंबर पे आता है नेवर एवर स्टॉप। कि जब तक अपने लक्ष्य को पा ना लो, उस बड़े लक्ष्य को पा ना लो, तब तक हार मत मानो। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब चलता हूं तो कोई पूछता नहीं है, और रुक जाऊंगा तो ये रौंद कर चले जाएंगे। इसीलिए सफर बहुत लंबा हो तो मैराथन भागिए, 100 मीटर की रेस नहीं। क्योंकि हमेशा मैराथन में भागने वाला अपनी चाल स्लो रखता है और 100 मीटर वाला शुरू से ही फास्ट चलता है। तो आपको एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है, उतावले होके जल्दी गिरिए मत। और वो कहते हैं ना कि जहां आंधियों को जिद है बिजली गिराने की, वही मेरी भी जिद है आसिया बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद है, खड़ा हूं अभी भी, गिरा नहीं हूं, जंग भी बाकी है, मैं हारा नहीं हूं। और चलते चलते जब कभी थक जाओ कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ये सारी चीजें कैसे कर पाऊंगा, तो उस टाइम मेरी एक बात ध्यान रख लेना
कि जब तुम उस काम को नहीं कर रहे हो तो उसी टाइम कोई ना कोई उसी काम को कर रहा होगा, और जिस दिन वो तुमसे मिलेगा वो जीत जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का सिर्फ एक ही मोटो निकला कि एक बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। जो भी इंस्टीट्यूट्स, जो भी कोचिंग सेंटर्स आप चुने, उसमें हमेशा देखिए कि उन्होंने क्या क्या अचीव कर रखा है, क्योंकि जो लोग अचीव करते हैं वही कुछ बता पाते, क्योंकि उन्होंने भी अचीव फ्री फंड में नहीं करा होता, उन्होंने कुछ किया है तब जाके यहाँ पे पहुंचे हैं। दूसरी चीज कि हमेशा अपनी लाइफ में कंटिन्यूटी रखिएगा, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो लक्ष्य हासिल नहीं होगा। और तीसरा, जब इतना बड़ा सफर होगा तो बहुत सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन रुकना नहीं है, चलते रहना है।